हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स। तो जैसे कि नाम से ही पता लग रहा होगा कि इंडस्ट्रीज में होने वाले हैजार्ड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, पर्टिकुलर हैजार्ड्स कितने होते हैं इनको हम काउंट तो नहीं कर सकते, पर कुछ मेन हैजार्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम जान सकते हैं और उनकी प्रिवेंशन भी रख सकते हैं और हम सेफ़ रह सकते हैं। क्योंकि ये जो हैजार्ड्स की मैं बात कर रही हूँ वो है बहुत ही कॉमन हैजार्ड्स और बहुत ही डेंजरस हैजार्ड्स भी बोल सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से क्या होता है, लाइफ टाइम डिसीज़ भी हो सकती है। वहाँ से हम ऐसी चीज़ें भी गेन कर सकते हैं। किसी भी जगह पर हम रेगुलर वर्क कर रहे हैं, जिस भी मशीन पर वर्क कर रहे हैं, उस मशीन से अगर कुछ भी वाइब्स आ रही हैं, कोई भी नॉइस आ रहा है या कोई पॉल्यूशन आ रहा है, ऐसी जगह से हम क्या करेंगे, ऐसे डिसीज़ गेन कर सकते हैं जो कि हमारे लाइफ टाइम डिसीज़ बन सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं किस तरीके से ये स्मोक निकल रही है ना, धुआं निकल रहा है। तो क्यों निकल रहा है ये, क्योंकि वहाँ अच्छे प्रिवेंशन नहीं है, इन्होंने इंसिनरेटर का यूज़ नहीं किया है ना, प्रॉपर चिमनी नहीं लगाई, इसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स रहते हैं जिनकी वजह से क्या हो सकता है, पीपल्स को हार्म हो सकता है। तो जो भी वर्कर्स वहाँ रहते हैं, अगर आप उनको हेल्थी रखना चाहते हैं, उनकी हेल्थ पर भी ध्यान दे रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखनी होंगी। और हेल्थ पर ध्यान देना ही होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट हमारे जो HSC डिपार्टमेंट रहते हैं वो होते ही इसलिए हैं कि होने वाले जो भी हैजार्ड्स हैं उन पर वो कंट्रोल कर सकें। अब कंट्रोल कैसे करेंगे, तो देखिए क्या होता है, जैसे कि जो भी हैजार्ड्स हैं उनका पहले आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा, कितनी रिस्क है उनमें ये पता करना होगा। तो जब आपको एक बार पता चल जाता है कि इसमें रिस्क कितनी है, तो आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, तो ये ऑब्जर्वेशन तभी आप कर सकते हैं जब आपको पता चले हैजार्ड क्या है। ठीक है, तो कितने हैजार्ड ऐसे होते हैं कॉमन हैजार्ड, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये फिज़िकल हैजार्ड हो गए, जैसे कि नॉइज़, वाइब्रेशन, हीट, कोल्ड, प्रेशर, रेडिएशन एट्सेट्रा। तो ये क्या है, जैसे कि किसी मशीन पे आप वर्क कर रहे हैं, वहाँ से उस मशीन से ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है और आप रोज़ उस पर वर्क कर रहे हैं और आप पर्टिकुलर PPE भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसके नॉइज़ से आपके कानों में इतना इफ़ेक्ट हो रहा है कि आप सुन नहीं पाए, सुनना बंद हो गया आपको, है ना। तो ये क्या हुआ, लाइफ टाइम डिसीज़ हो गई ना आपको। वाइब्रेशंस हो रहे हैं, हीट में आप काम कर रहे हैं, कोल्ड में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी इफ़ेक्ट हो रही है और इस तरीके की डिसीज़ आपको लग रही है। केमिकल हैजार्ड हो सकते हैं, कोई फ्लेमेबल मटेरियल है, एक्सप्लोसिव मटेरियल जो जल्दी आग पकड़ ले, ब्लास्ट हो जाए सीधे। तो ऐसे मटेरियल्स को क्या आपको पर्टिकुलर एक प्लेस पर रखना है, उनके MSDS ध्यान में रखते हुए ही उनको स्टोर करना है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, बायोलॉजिकल हैजार्ड हो सकते हैं, ठीक है, उड़ने वाली जो धूल है, जो भी पार्टिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप इनहेल कर रहे हैं, धूल वगैरह इनहेल कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें इनहेल कर रहे हैं, तो इससे भी आपको डिसीजेस हो सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप जब भी कोई वर्क कर रहे हैं तो पहले तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है, अगर आप प्रॉपर PPEs यूज़ करके वो वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ रह सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि ये भी कुछ हैं जिसके फायर हैजार्ड्स, सेम उसी से आ गया, एक्सप्लोजिव और फ्लेमेबल मटेरियल से। केमिकल हैजार्ड्स, जो केमिकल्स रहते हैं उनकी वजह से आग भी लग सकती है, तो ये सारी चीज़ें। इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, शॉर्ट सर्किट हो जाना, शॉर्ट सर्किट से तो कितनी आग लग रही है आजकल, तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखना। मैकेनिकल हैजार्ड, किसी भी मशीन की वजह से होने वाला, जैसे कोई मशीन है वो शॉक दे रही है, तब भी आपने ध्यान नहीं दिया और किसी ना किसी को ऐसा शॉक लगा उससे कि उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, उसकी जान ही चली गई। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा कि कैसे हम हैजार्ड्स को टैकल कर सकते हैं, कैसे हम खुद को बचा सकते हैं। प्रॉपर PPEs पहनना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं, अपने वर्क के लिए जा रहे हैं, तो ध्यान रखें विदाउट PPEs तो एंटर करें ही ना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि खुद को सेफ रखने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो यही है कि आप प्रॉपर PPEs यूज़ करें। ठीक है, अगर आप प्रॉपर PPEs यूज़ करते हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत हद तक सेफ रह सकते हैं। अगर आप हेडफोन, ईयर मफ पहनते हैं, ठीक है, तो इससे भी आप क्या है, नॉइस से बच सकते हैं। मास्क आपने पहन रखा है तो जो डर्ट, डस्ट जो भी है उसे इनहेल करने से बच सकते हैं, कुछ भी कोई भी ऐसी गैस है उसे इनहेल करने से बच सकते हैं। ग्लव्स पहनते हैं तो हीट वर्क कर रहे हैं कहीं, तो आपके हाथ जलने से बच सकते हैं।
इस तरीके से आप खुद को खुद ही सेफ रख सकते हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि देखिए, जो HSC डिपार्टमेंट है वो पूरी कोशिश कर रहा है आपको प्रिवेंशन देने की, पर अगर आप खुद ही अपनी सेफ्टी नहीं रखना चाहते तो फिर वो भी क्या कर सकते हैं, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी वर्क आप कर रहे हैं प्रॉपर PPEs पहनिए। इंडस्ट्रियल हज़ार्ड जो हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करके अगर आप खुद को सेफ रख सकते हैं तो ज़रूर आपको करना चाहिए ये सारी चीज़ें। क्योंकि देखिए, हज़ार्ड तो इतने होते हैं कि हम उनको काउंट करने बैठे तो बहुत ही ज़्यादा निकलेंगे, पर जो मेन हज़ार्ड है जिनकी वजह से ज़्यादा रिस्क हो सकती है, जो ऑब्जर्व किया गया अभी तक, वो सारी यही हैं। तो अगर आप प्रॉपरली उन्हें वेयर करते हैं, PPEs वगैरह पहनते हैं, और आईज़ को भी आपको प्रोटेक्ट करना होता है उसमें, तो आपको गॉगल्स भी पहन के रखने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें करके आप सेफ रह सकते हैं। तो आज ही मैंने आपको इंडस्ट्रियल हैज़ार्ड्स के बारे में बताया, ठीक है। ये हमारा इंडस्ट्रियल सेफ्टी का ही टॉपिक था, तो इसीलिए ये इंडस्ट्रियल हैज़ार्ड इसके अंदर था। तो ऐसे हम खुद को सेफ रख सकते हैं। बाकी जो SOPs वगैरह हैं वो हर इंडस्ट्री अपने अकॉर्डिंग पर्टिकुलर SOP बनाती है, तो वो सारी चीज़ें तो बात की बात है, पर इस तरीके से आप खुद को सेफ रख सकते हैं, है ना। सो थैंक यू।